एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई आईपीएफ जर्नी पर। आज मैं आपके साथ एक अलग सा टॉपिक शेयर करने वाली हूँ। ये टॉपिक जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये बहुत पहले से मेरे माइंड में है, क्योंकि बहुत से लोग मुझे ऐसे मिलते थे और बहुत से लोग जो है मेरे साथ इसको शेयर भी कर रहे हैं, जो पर्सनली भी कई बार शेयर करते हैं, मेरे पास मेल भी आती हैं। तो देखिए, ये जो है आपको वीडियो बहुत लोगों के साथ जरूर शेयर करनी है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर शेयर करनी है इसको, क्योंकि जितनी किसी की हेल्प हो सके उतना अच्छा है। देखिए, जब भी हम IVF करवाने जाते हैं तो हमारे पास कोई भी ऐसा, हम नहीं कह सकते कि हमारा एस्टिमेट है इसी के अंदर हमारे पैसे लगेंगे, हमारे ज़्यादा ही लगते हैं हमेशा, क्योंकि हमारे टेस्ट हमें पता नहीं होता, हमारी कंडीशन हमें पता नहीं होती, और आगे प्रेगनेंसी अगर कंसीव हो जाती उसके बाद बहुत कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो हमने भी इस तरह से एस्टिमेट नहीं किया था। मैंने अपनी जर्नी शेयर कर रखी है कि मुझे क्या क्या करना पड़ा था IVF करवाने के लिए, क्या क्या मुझे कॉम्प्लिकेटेड, मतलब कि पैसे को लेकर क्या क्या करना पड़ा था, वो मैंने शेयर किया हुआ है। तो इसी तरह ये सबकी जर्नी रहती है, सबके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, चाहे जिसके पास जितने भी पैसे क्यों ना हो, उसके लिए भी कॉम्प्लिकेटेड हो ही जाता है। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, आज तक मुझे नहीं लगता कोई इंश्योरेंस इसको कवर करता है। हाँ, हॉस्पिटल हमें ये फैसिलिटी देते हैं कि हम इनको इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। बहुत से हॉस्पिटल ये फैसिलिटी देते हैं कि हम इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं, लेकिन हमें कोई भी इंश्योरेंस इसके अंदर नहीं मिलता जो प्रेगनेंसी को या IVF को कवर करे। ठीक है, तो ये हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि अगर हम ये मान के चले कि बहुत से खर्चों को हम टाइट भी कर दे तो हमारा खर्चा जो है IVF का, लेकिन बहुत सी चीज़ें हमें सोचनी पड़ती हैं। हम मेडिसिन स्किप नहीं कर सकते, हम इंजेक्शन स्किप नहीं कर सकते, हम टेस्ट स्किप नहीं कर सकते, हम अल्ट्रासाउंड स्किप नहीं कर सकते, हमें सब कुछ इसमें जो है हमारे लिए कंपल्सरी होता है करवाना। तो इसी तरह से मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ। देखिए, बहुत से लोग मेरे पास आते हैं कि मैम, हम IVF के लिए सोच रहे हैं लेकिन हमारा इतना एस्टिमेट नहीं है, हम क्या करें। या कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि वीडियोस देखते हैं, उनको IVF के लिए डॉक्टर ने बता भी दिया है, लेकिन वो बेचारे सोच ही नहीं पाते कि हम IVF के लिए करवाएं। और कुछ जो है क्या करते हैं वो लोग जो है उनको ये बोल देते हैं कि 2 लाख में होगा, कुछ लोगों का 2 लाख का एस्टिमेट, 1 या 2 लाख तो इसमें लगते ही हैं, तो एस्टिमेट कर लेते हैं। तो वो क्या होता है कि उनका अनसक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि अच्छे इंजेक्शंस, अच्छी लैब और इन सब का जो है कॉस्ट उसमें पड़ता है, तो वो ऐसे झांसे में पड़ जाते हैं। कुछ का तो हो जाता है क्योंकि अंदर की भी एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, अंदर की जो नॉर्मल अगर पर्सन होगा, ज़्यादा उसको प्रॉब्लम नहीं होगी तो उसको कम में भी कंसीव हो जाएगा। जिसके अंदर एबनॉर्मेलिटीज ज़्यादा होंगी उसको क्या होगा कि उसके पैसे वेस्ट हो जाएंगे और फिर उसके अंदर दोबारा हिम्मत भी नहीं होती करवाने की, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसीलिए मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक डिसीजन लिया है कि देखिए, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो गरीब को खाना खिला रहे हैं। ठीक है, कईयों के पास, आपने, मैंने बहुत से यूट्यूब चैनल देखे हैं जो गरीब भूखे हैं उनको बेचारों को खाना खिलाते हैं। ठीक है, बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं, क्या होता है उनको, उनको घर बना के भी देते हैं लोग, लेकिन कभी ऐसा हुआ है? देखिए, बहुत सी सब बोलेंगे कि ये तो तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम है, इसको हम इंश्योरेंस के अंदर नहीं, अगर हम इंश्योरेंस वालों से भी बात करें तो प्रेगनेंसी को, IVF को वो एक बीमारी नहीं मानते, और वैसे ये बीमारी भी नहीं है तो वो इसको कवर भी नहीं करते हैं। तो देखिए, मैंने और मेरे हस्बैंड ने सोचा है कि अगर कोई हमें पर्सन ऐसा मिलता है, देखिए, अब मेरी यूट्यूब चैनल, मैंने सोचा था कि जब मेरे यूट्यूब चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, लेकिन अब भी आप सबकी हेल्प से, सपोर्ट से, भगवान की कृपा से, कान्हा जी की कृपा से अब 12,000 मेरे सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि अगर मेरे 12,000 सब्सक्राइबर में से अगर कोई ऐसा पर्सन सामने आता है जो कि IVF नहीं करवा सकता, जिसके पास IVF करवाने के पैसे नहीं हैं, तो वो क्या करेगा? वो देखिए, अगर वो चाहता है तो वो मेरे से संपर्क करेगा और मैं उसको, देखिए, अगर वो, मैं उसको बिल्कुल भी हाइड नहीं करूँगी, मैं उनको सामने लेके आऊँगी जो भी IVF करवाना चाहता है। तो हम 12,000 सब्सक्राइबर में से अगर सब
100 रुपीज़ की भी हेल्प करेंगे उस पर्सन की, कोई 100 देगा, कोई 50 देगा, कोई 200 देगा, जो अच्छे बैकग्राउंड से हैं वो ज़्यादा भी देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए 100, 200, 400, 500 से ज़्यादा तो बिल्कुल भी मैं किसी को नहीं कहूँगी कि आप दीजिए, और अगर आप वो देंगे तो हो सकता है किसी पर्सन की हेल्प हो जाए। तो अगर उसकी हेल्प हो जाती है, उसको बेबी कंसीव हो जाता है, तो ये मेरी सोच जो है सबसे अलग है, और ये मैंने सबसे अलग करने का सोचा है। और मैंने सोचा है कि आई थिंक मतलब कि मेरे साथ लोग जुड़ेंगे तो, और आप मान रहे हो कि मुझे ये बताते हुए भी बहुत खुशी हो रही है कि मैंने ये थिंकिंग रखी। तो आप सब अगर इसमें मेरा साथ देंगे, मेरी हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे मुझे, तो ज़रूर जो है मैं औरों की हेल्प कर पाऊँगी। बहुत से ऐसे लोग हैं, आप में से भी बहुत से ऐसे लोग छुपे हुए होंगे जिनकी एस्टिमेट इतना नहीं होगा, जो नहीं कर पाते होंगे, जो सिर्फ सोच रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं वो IVF। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं एक ऐसी थिंकिंग जो है आप सब के सामने रखूं। आप सब मुझे मैसेज करके, जो भी मेरी आज वीडियो देखेंगे ना, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप सब मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा कि आज की जो वीडियो है वो आपको कैसी लगी, मेरा विचार, मेरी थिंकिंग कैसी लगी, क्या आप मुझे इसमें सपोर्ट करेंगे। देखिए हमारे पास से कुछ भी नहीं जाएगा, एक हम सबको दुआएं मिलेंगी, जो जो जिसके पास नहीं भी पैसे हैं वो 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ तो दे ही सकता है। अगर वो 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ देगा और किसी को एक बेबी मिल जाएगा तो कितना अच्छा होगा, वो कितनी दुआएं देगा, और हम सबको जो है हम सबकी हेल्प होगी, हम एक फैमिली मेम्बर्स की तरह रहेंगे और हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे अगर कोई भी पर्सन सामने आना चाहता है तो। तो एक मैंने ये जो है एक स्टार्ट किया है, अगर आप इसमें मुझे सपोर्ट करेंगे तो बहुत बेनिफिट आपके लिए भी होगा, ठीक है। तो मुझे तो ये है कि मेरे को मैं बहुत इस चीज़ को आगे लेकर जाना चाहती हूँ कि मुझे जो है मैं बहुत कुछ सोचा हुआ है, लेकिन आपके सपोर्ट के बिना ये कुछ भी नहीं होगा। आप मुझे अगर सपोर्ट करेंगे, मेरी थिंकिंग को रिस्पेक्ट करेंगे, मेरी थिंकिंग को अगर रिस्पेक्ट करेंगे, तो आप किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप मुझे पर्सनल मेल कीजिए, आप सामने आएंगे वीडियो में और बताएंगे आपकी प्रॉब्लम क्या है, मैं उसके अकॉर्डिंग ही आगे जो है प्रोसेस करूँगी। तो प्लीज़ आज की थिंकिंग अगर आपको थोड़ी सी भी समझ आई है, देखिए मैं एक छोटी सी स्टोरी भी आपके साथ क्लियर बताना चाहूँगी। क्या है कि मेरे जो है यहाँ मैं रह रही हूँ वहीं की बात बता रही हूँ, एक लेडी थी, उन्होंने मुझे क्या कहा कि हम दो लेडीज़ थी, हो दोनों के पास बेबी नहीं थे, दोनों को IVF बता दिया गया था, लेकिन उनके पास एस्टिमेट नहीं था पैसों का। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे करते हैं, उन्होंने मुझे देखा कि मेरे ट्विन्स हुए हैं, कि उन्होंने कहा कि हम ऐसे करते हैं, आधे पैसे वो लगा लेंगे, आधे पैसे मैं लगा लेंगी, दोनों में से एक प्रेग्नेंट हो जाएगी, दोनों के दो बेबी हो जाए, एक के दो बेबी हो जाएंगे और दोनों को एक एक हम ले लेंगे। तो मतलब इस तरह की थिंकिंग भी अगर लोग रख रहे हैं तो अच्छी बात है, इससे दो की हेल्प हो जाएगी, तो मतलब हर एक को बेबी मिल जाएगा, और आगे ट्विंस को पालना भी थोड़ा वो होता है, तो इसीलिए जो है वो एक एक कर लेंगे, उनको जो है आगे बेबी हो जाएगा। तो इस तरह के लोग भी थिंकिंग रखते हैं, इसीलिए मैंने आपको आपके साथ ये शेयर किया। अगर आपको ये थिंकिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ मैसेज ज़रूर कीजिए, और इसको शेयर तो बहुत ज़्यादा करना है आपने, हर एक पर्सन प्लीज़ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, शेयर करेंगे ताकि लोगों को इसके बारे में पता चल सके। तो आई होप कि आपकी आज की जो वीडियो है वो आप सबको आज जो है पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर इसे ज़रूर करना है, और जितना हो सके जो है औरों के साथ जो है आप सपोर्ट ज़रूर करेंगे। अगर सपोर्ट करेंगे तो प्लीज़ मुझे मैसेज में ज़रूर लिखिएगा कि हाँ मैम हमें आपकी थिंकिंग अच्छी लगी है, हम इसको सपोर्ट करेंगे। तो यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करूँगी, राधे राधे।